हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर दिवाकर सर। बच्चों, आज सर्कुलेशन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आरएच ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, उसके बारे में जानेंगे, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। कहाँ पर प्रॉब्लम होती है उस जगह मैं आपको इशारा करूँगा, उस जगह आप अलर्ट रहना कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर लोग अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं, तो वहां पर आप गलतियां ना करें, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसा कि बताया हमने कि टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बच्चों, सबसे पहले इस पर आने के पहले थोड़ा आरएच ग्रुपिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपको अक्सर बोला जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है, या ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल है वो आरएच के प्रेजेंस एंड एब्सेंस को इंडिकेट करता है। यदि आपका ब्लड ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है आपके ब्लड में आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, और ए नेगेटिव है तो आपके ब्लड में आरएच एंटीजन एब्सेंट है। एक्चुअली ये जो आरएच एंटीजन है, इसकी डिस्कवरी लैंड स्टीनर, जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, लैंड स्टीनर और उनके एक कुलीग थे वाइनर, इन दोनों ने मिलकर के आरएच ग्रुप को डिस्कवर किया था। और ओरिजिनली ये जो ब्लड ग्रुप है ये एक मंकी में डिस्कवर हुआ था, जिसका जीनस है रीसस और स्पीसीज है मकाका। तो आरएच रीसस मकाका मंकी में ये ब्लड एंटीजन डिस्कवर हुआ था ओरिजिनली। बाद में ये देखा गया कि ये एंटीजन ह्यूमन पॉपुलेशन में भी होता है, लेकिन इसका प्रेजेंस ह्यूमन में यूनिवर्सल नहीं है। तो जिसमें ये होता है उसको हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन में करीब 80% लोगों में ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो 80% लोग ह्यूमन पॉपुलेशन में आरएच पॉजिटिव हैं, और बाकी के जो 20% लोग हैं वो आरएच नेगेटिव हैं। इंडिया में आरएच नेगेटिव लोग सर्वे बताती है कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। इसका कोई कारण नहीं है, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड ग्रुप का, आप जस्ट एक फैक्ट की तरह इसको लर्न करिए। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के बारे में हमने समझ लिया, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो था। अब एक आरएच से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको हम आरएच की मिसमैचिंग कहते हैं। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है आरएच का, जो कि ग्रोइंग फीटस के लिए हार्मफुल होता है। वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्या है? वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कि ये देखो, इस डायग्राम में आरएच नेगेटिव फीमेल है, इस डायग्राम में आप देखिए आरएच नेगेटिव फीमेल, और इसने क्या फीटस कंसीव कर रखा है? आरएच पॉजिटिव फीटस कंसीव कर रखा है। ये प्रॉब्लम इसके अलावा किसी दूसरे कंडीशन में नहीं होती। आरएच से रिलेटेड जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो एक ही कंडीशन में होगी, और वो कंडीशन है जब आरएच नेगेटिव फीमेल आरएच पॉजिटिव फीटस को कंसीव करे। तो ऐसा क्यों और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? तो उसके लिए थोड़ी और भी बेसिक चीजों को समझिए आप। सपोज ये आरएच नेगेटिव मदर है और उसने आरएच पॉजिटिव फीटस को कंसीव किया है, तो डेफिनेटली आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है इसका जीन मदर की तरफ से तो नहीं आया, ये जीन किसकी तरफ से आया है? फादर की तरफ से आया है। तो आरएच नेगेटिव मदर यदि आरएच पॉजिटिव फीटस को कंसीव करती है, तो आरएच ब्लड ग्रुप बनाने वाला जो जीन है वो मदर की तरफ से नहीं, फादर की तरफ से आया है ना? यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें ना ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा इस आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी को समझने के लिए। दो तरह के रूल हैं,
एक रूल ये है, ये कहता है कि यदि कोई एंटीजन है, जैसे RH एंटीजन है फीटस में, तो जो एंटीजन होता है ना उसकी एंटीबॉडी नहीं होती, मतलब RH की जो एंटीबॉडी है फीटस में नहीं होगी। और रूल टू कहता है कि यदि एंटीजन नहीं है तो उसकी एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो फर्स्ट रूल का तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, फर्स्ट रूल 100% केसेस में एप्लीकेबल होते हैं। तो RH पॉजिटिव फीटस के बॉडी में RH की एंटीबॉडी नहीं होगी, मदर में होनी चाहिए रूल टू के हिसाब से। लेकिन रूल टू का ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यह है कि कोई RH नेगेटिव है तो उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी। तो एंटीबॉडी, RH की एंटीबॉडी ना तो अभी मदर में है और ना फीटस में, दोनों में से किसी में नहीं है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है, RH से रिलेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय नहीं होती। एक्सेप्शंस की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ये इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो RH की एंटीबॉडी के कारण होती है। RH की एंटीबॉडी, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। प्लेसेंटा को क्रॉस तो तब करेगा ना जब एंटीबॉडी होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय ना तो फीटस में RH की एंटीबॉडी है, दिस इज एज पर रूल वन, और मदर में नहीं है एज पर एक्सेप्शन ऑफ द रूल टू। तो एंटीबॉडी ना तो इधर है ना इधर है, तो ये प्रॉब्लम एंटीबॉडी के कारण होती है। एंटीबॉडी अभी किसी में है नहीं, तो पहली प्रेगनेंसी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब की शुरुआत कैसे होती है? जब इस बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म तो सेफली हो गया, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो प्लासेंटा ब्रेक होते हैं। प्लासेंटा तो एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है। तो प्लासेंटा फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, और फीटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कैसा ब्लड होगा? फीटस का ही तो ब्लड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड तो फीटस के टिश्यू का पार्ट है, तो उसमें फीटस का ही ब्लड होगा। तो फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, और जब प्लासेंटा रप्चर्ड होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो लीक करके मदर में चला जाता है। अब मदर में, जब फीटस का ब्लड मदर में चला गया तो मदर में क्या प्रॉब्लम होगी? मदर का इम्यून सिस्टम उस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। तो जो चीज नहीं था यहां पर मदर में, वो देखो यहां पर बन गया। प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय बनाई, जब बच्चे का जन्म हो गया तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो मदर में एंटर कर गया, और मदर के इम्यून सिस्टम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। किसकी एंटीबॉडी? RH की एंटीबॉडी, RH एंटीजन की एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी हार्म कब करेगा? जब सेकेंड टाइम सेम मदर फिर से RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव करेगी। अब कंसीव कर रही है RH पॉजिटिव फीटस से, तो यहां पर RH एंटीजन है और मदर में क्या बना हुआ है? RH की एंटीबॉडी। तो RH की जो एंटीबॉडी है, जिसको एंटीडी एंटीबॉडी भी कहते हैं, वो एंटीबॉडी क्रॉस करके, प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में एंटर कर जाएगा, और फीटस के ब्लड में, फीटस का जो RBC, उसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? फीटस के RBC के सरफेस पर प्रेजेंट है RH का एंटीजन। तो वो एंटीजन विल बी अटैक्ड बाय एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी से एंटर हुआ है। तो क्या होता है, RBC की मेम्ब्रेन जो है हीमोलाइज हो जाती है। RBC हीमोलाइज होने के कारण एक सीवियर किस्म का जॉन्डिस होता है, इसको HDN भी बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, या इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, किसका फीटस अफेक्टेड हो रहा है, किसका RBC अफेक्टेड हो रहा है? फीटस का RBC अफेक्टेड हो रहा है। तो ये जो प्रेगनेंसी जिसमें RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का इफेक्ट देखने को मिलता है, वो सेकेंड प्रेगनेंसी है या थर्ड फोर्थ। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का नंबर बढ़ेगा, मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन और भी ज्यादा होने लगेगा, और उस इनकॉम्पेटिबिलिटी के होने के चांसेस और भी बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट प्रेगनेंसी यूजुअली सेफ होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी में इसका खतरा होता है, थर्ड में और भी ज्यादा खतरा होगा।
तो इससे इसके क्या उपाय हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि Rh नेगेटिव जो फीमेल है उसकी मैरिज Rh नेगेटिव मेल से होनी चाहिए। यदि Rh नेगेटिव फीमेल की मैरिज Rh नेगेटिव मेल से होती है तो उस केस में तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस कंडीशन में Rh पॉजिटिव फीटस कंसीव करेगी नहीं फीमेल। ये प्रॉब्लम तो Rh पॉजिटिव फीटस के कारण होती, तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर करेंगे ये कपल। तो सबसे अच्छी रिमेडी तो इसकी यही है कि Rh नेगेटिव फीमेल की मैरिज Rh नेगेटिव मेल से होनी चाहिए। लेकिन मान लो कि इस तरह के मैच नहीं मिल पाए तो क्या होगा? तो उन कंडीशन में मिसमैच मैरिज हो गई, सपोज कि Rh नेगेटिव फीमेल की मैरिज Rh पॉजिटिव मेल से हो गई, तो चांसेस तो हैं कि वो कंसीव करेगी Rh पॉजिटिव फीटस से। तो उन कंडीशन में क्या किया जाता है? उन कंडीशन में ये क्या किया जाता है कि जब पहले बच्चे का जन्म होता है, ऐसे केसेस में तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कपल को सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मान लो कि सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई, तो पहले प्रेगनेंसी के समय जब बच्चे का जन्म हुआ था, फर्स्ट चाइल्ड का जब जन्म हुआ था, तो उसी समय एक एंटी Rh एंटीबॉडी, ये एंटी Rh एंटीबॉडी जो रोगम नाम से मिलता है, वो मदर में इंजेक्ट कर देना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जब एंटीजन एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड से जब Rh एंटीजन एंटर करता है, किसमें, मदर में, तो उस एंटीजन को उस समय ही वो क्या करता है, किल कर देता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये काम करे ही। तो सबसे अच्छी रिमेडी तो यही मानी जाती है कि Rh नेगेटिव फीमेल की मैरिज Rh पॉजिटिव मेल से नहीं होनी चाहिए। दूसरा रिमेडी ये है कि उनको यदि इस तरह की मैरिज हो गई तो सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में उनको नहीं सोचना चाहिए। तीसरी रिमेडी ये है कि फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के समय ये एंटी Rh एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देना चाहिए, ताकि उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ही ना हो। तो एंटीबॉडी का यदि फॉर्मेशन नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम की जड़ तो वही है, एंटीबॉडी। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि केस को उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब है कि फीमेल Rh पॉजिटिव है और फीटस जो है Rh नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों नहीं होगी? तो इसको आप ऐसे समझो, पहले मदर यदि Rh पॉजिटिव है तो उसमें एंटीबॉडी होगा नहीं, क्योंकि रूल वन के हिसाब से Rh का एंटीजन प्रेजेंट है, तो Rh की एंटीबॉडी हो ही नहीं सकती, है ना। और ये तो यदि फीटस Rh नेगेटिव है तो नहीं होगा रूल टू के एक्सेप्शन के हिसाब से, तो एंटी बॉडी ना तो मदर में है ना फादर ना फीटस में है, दोनों में से किसी में नहीं है, तो पहले केस में तो कुछ होता ही नहीं। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब फीटस का ब्लड लीक करके मदर में जाता है। फीटस का जो ब्लड लीक करके मदर में जा रहा है उसमें एंटीजन ही नहीं है, क्योंकि इस केस में फीटस क्या है, Rh नेगेटिव है। तो Rh नेगेटिव फीटस का ब्लड जब मदर में जाएगा तो उसमें एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगा, तो ऐसे केस में वो प्रेगनेंसी सेफ रहेगी और एरिथ्रोब्लास्टोसिस के केसेस नहीं होंगे। तो ये रहा आपका जो हमने आपको डिस्कस किया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के बारे में। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये किन कंडीशन में ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, दूसरा इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं जो हमने अभी डिस्कशन के दौरान ये सारी बातें आपको बताई थी, तीसरा जो सवाल अब तक पूछा नहीं गया है और वो सवाल थोड़ा सा यदि मुश्किल क्वेश्चन आता है तो वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो ये कि फीटस यदि Rh नेगेटिव हो और मदर Rh पॉजिटिव, तो ये इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों नहीं होगी? ये सवाल अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना है, और ऐसे सवाल ही आपको आगे लेके जाते हैं। इस सवाल का यदि आंसर आप कर पाते हैं कि जिसमें बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो वही
आपको एज मिलता है दूसरा अपने कंप्यूटर से आगे निकलने का, कि आई होप कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से रिलेटेड आपके सारे सवाल के जवाब अब तक आपको मिल गए होंगे। आपके क्वेरीज को यदि मैं सॉल्व कर पाया हूँ, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक में हो पाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा ताकि इसका फ़ायदा और भी बच्चों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी अपीयर होंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।